दोस्तों शाओमी ने तो कमाल ही कर दिया, या एमआई बोलो रेडमी बोलो, उन्होंने कमाल ही कर दिया। आजकल जो मतलब मैं सोचा था शायद शाओमी या एमआई जो है वो गया, मतलब और कुछ हमें ऐसा कुछ धमाका नहीं देखने को मिल गया जैसे रियलमी और एसूस जैसे अपने स्मार्टफोन्स बाज़ार में या मार्केट पर ला रहा था, जिस तरह से जिस प्राइस में जिस स्पेसिफिकेशन के साथ और जो परफॉर्मेंस भी दे रहा था और कस्टमर्स रिव्यूज़ भी जितना अच्छा सा आ रहा था, तो मैंने सोचा शाओमी इस बार गया या वो भी अब लाइन लगाना पड़ेगा इस फील्ड में। पर वहाँ पर फिर से ऐसा कुछ उन्होंने कर दिखाया लो बजट में, अच्छे से अच्छा डिवाइस और अच्छे से अच्छे डिज़ाइन भी चेंज हो चुका है इस बार। सो वो कैसा है क्या है आप लोगों को शायद पता भी चल चुका है, Redmi Note 7। सो Redmi Note 7 बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, चाइना में बहुत दिन पहले लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर बाहर के और इंडियन के भी आप शायद देख ही चुके वो सारे वीडियोज़, खास करके बैंड टेस्ट वाला वीडियोज़। और यहाँ पर Realme की तरफ से भी Realme 3 आ सकता है काफ़ी जल्दी, उन्होंने मतलब लॉन्च बस करना ही वाला है। वहाँ पर कुछ नया मतलब स्पेसिफिकेशन पहले से Realme 2 Pro या Realme 2 जो भी था उससे थोड़ा बहुत चेंजेस, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा डिस्प्ले में, कुछ चेंजेस रह सकता है, उसी के साथ सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस आने वाला है। और सबसे मेन चेंजेस जो आने वाला है Realme 3 के अंदर शायद वो है सॉफ्टवेयर के ऊपर, जितने मुझे शायद पता है जितना। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ कि Redmi ने तो इसका सब ब्रांड बना ही दिया, एमआई ने सब ब्रांड आपको बना ही चुका है, रेडमी अब बन चुका है जैसे कि आप लोगों को पता है। और एक और चीज़ जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा एक टॉपिक बोल सकते हैं या ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको पहली बार किसी स्मार्टफोन के अंदर मतलब आप एक लाख के ऊपर चला जाओगे किसी स्मार्टफोन में आपको एक साल से ज़्यादा वारंटी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको वारंटी देखने को मिलता है आपके जो मतलब एकदम शुरू से, कोई अलग से कोई कुछ नहीं, एकदम शुरू से आपको वारंटी देखने को मिलता है 18 मंथ्स का वारंटी Redmi जो Note 7 आ रहा है उस फ़ोन के अंदर, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। तो देखा जाएगा इंडिया में क्या करता है, इंडिया में वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन लॉन्च करता है और स्पेक्स में कुछ चेंजेस होते कि होते नहीं, जल्दी आने वाला आप लोगों को तो पता है जैसे कि पता है Realme 3 के बारे में। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि MI ने और एक फ़ोन को टीज कर दिया है, पर वो है MI 9 भी जल्दी आने वाला है, पर फिलहाल ये एक फ्लैगशिप डिवाइस होने वाला है। आप लोगों को पता है कि MI के जितने भी फोन होते हैं सिर्फ MI करके जो है वो फ्लैगशिप डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले उन्होंने मतलब 2018 की आखिर में उन्होंने जैसे कि निकाला था MI 8 और MI 8 Explorer जो कि काफ़ी अच्छा डिवाइस रह चुका है, पर इंडिया में वैसा मतलब क्या पता शायद MI 9 भी इंडिया में नहीं आएगा अभी के लिए फिलहाल, पर अगर आता है तो काफ़ी अच्छा बात है। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, मतलब डिज़ाइन में भी आप Xiaomi धीरे धीरे करके अपने चेंजेस ला रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से ये जल्दी से करना चाहिए था। और एक चेंजेस जो लाया है उन्होंने वो है सी टाइप पोर्ट, वो तो सी टाइप पोर्ट हटा ही नहीं रहा था, 2017 से सी टाइप पोर्ट का ट्रेंड चालू हो गया, उससे पहले मैं 2017 में ज़्यादा करके 2018 तक उन्होंने नहीं दिया, पर 2019 पे अगर वो नहीं देते तो ठीक नहीं होगा Xiaomi। पर फिर भी 2019 में उन्होंने मैंने जैसे देखा Redmi Note 7 के अंदर उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है टाइप सी पोर्ट को, जो काफ़ी अच्छी बात है। अलग सारे स्पेक्स तो आगे आपको पता ही है और भी पता चलते रहेगा क्योंकि फ़ोन तो लॉन्च होने ही वाला है। अब तो Xiaomi MI 9 के अंदर भी कुछ ऐसे स्पेक्स आपको देखने को मिलता है, अच्छे खासे 855 प्रोसेसर के साथ आ सकता है स्नैपड्रैगन का MI 9 के अंदर। तो ये था छोटा सा अपडेट और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्या करते हैं तो वेल डन देना चाहूँगा। अगर अच्छी बजट में लॉन्च होता है तो ज़रूर मतलब धमाका कर देगा फिर से Xiaomi, क्योंकि Xiaomi Redmi Note 4 Xiaomi Redmi Note 5 Pro के बाद वैसा कुछ Xiaomi ने कुछ नहीं किया। तो देखते हैं Redmi Note 7 और MI 9 के साथ क्या करते हैं। Realme 3 भी आने वाला है, Asus Zenfone Max 2 Pro M2 के बाद M3 का आएगा कि आएगा नहीं फिलहाल पता नहीं, पर M2 Pro काफ़ी सक्सेसफुल था। तो ये था मेरे की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग न्यूजेस और शायद स्पेक्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था इस वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, इतना ही था वीडियो में। मैं सारे ब्रांड्स को वर्ल्ड देना चाहूँगा, जल्दी से अच्छे अच्छे प्राइस में फ़ोन निकालो भाई, हम सभी कंज्यूमर्स के लिए एकदम धासु होने वाला है। तो देखते कैसे होने वाला है सारे स्मार्टफोन डिवाइसेस, तो उसके बारे में वीडियोस तो मैं लाऊंगा आगे जाके। सो ये हमारा फरवरी या बोल सकते जनवरी या बोल सकते 2019 का सेकंड वीडियो है। सो थैंक यू वंस अगेन, सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ द वीडियो, आई एम टेक ब्रो साइनिंग ऑफ।